व्हाट्स अप गाइस, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मतलब इसका बेसिक आपको जानना इंपॉर्टेंट है. कुछ कुछ क्वेश्चंस इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग कुछ एग्जांपल्स बाद में भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कैसे. तो यहाँ पे मैं इसका बेसिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है. तो मैं हमारा टॉपिक लिखता हूँ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो यहाँ पे मैंने मेरे टॉपिक का नाम लिख दिया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, विच इज IAOR, इसका ये शॉर्ट फॉर्म लोग यूज करेंगे यहाँ पे. अब ध्यान से देखो इसको, व्हाई इट इज इंस्टेंटेनियस. एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब यही होता है. मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन उस इंस्टेंट के लिए ही आया और फिर वापस चला गया, राइट. मतलब क्या, अब मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं. अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि ये डिस्क है और ये लेट्स से रोल कर रहा है. रोल कर रहा है मतलब क्या, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है और यहां पे कोई भी स्लिपिंग नहीं है, मतलब स्किडिंग नहीं है. मतलब इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो. तो ध्यान में रखना इस पॉइंट का वेलोसिटी, लेट्स से पॉइंट पी का वेलोसिटी क्या है, जीरो, ठीक है. मतलब वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इन टू आर, ये हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं. अब यहां पे एक स्टेटमेंट डाल देता हूं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पी एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट. बताओ इसका मतलब क्या है. आपको पता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होता है. अब याद करो, जैसे कि ये पेन का एग्जांपल, पेन के एग्जांपल में लेट्स सी पॉइंट के अबाउट ये पेन सपोज रोटेट कर रहा है. इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट के थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट का जो मोशन है वो क्या है, वो उधर ही रुका हुआ है. मतलब ये पॉइंट कहां पर भी मूव नहीं कर रहा है, राइट. तभी होता है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो मैं बोल सकता हूं माय एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एंड और दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सिमिलरली मैं सेंटर ऑफ मास से रोटेट कर रहा था, इसका मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास वहां से ही रुका हुआ है. ध्यान में रखना है एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वर्ड कब यूज किया जाता है, कि उस पॉइंट से एक एक्सिस जाती है उसके अबाउट कोई भी बॉडी रोटेट करती है, राइट. लेकिन वो पॉइंट स्टेडी होना चाहिए, मतलब वहां पर रुका हुआ रहना चाहिए. अब रोलिंग में हम लोग ने क्या पढ़ा था, रोलिंग में हम लोग ने पढ़ा था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पी का वेलोसिटी कितना होता है, जीरो, लेकिन उस इंस्टेंट के लिए. मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए क्या मैं बोल सकता हूं कि ये पूरा का पूरा डिस्क एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है. मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से इस पॉइंट पी से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेज, राइट, और द प्लेन ऑफ द रोटेशन. लेकिन वो क्या हुआ, उस इंस्टेंट के लिए हुआ. क्यों, क्योंकि नेक्स्ट इंस्टेंट में कोई और पॉइंट आ जाएगा जिसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो. तो इसीलिए वर्ड यूज किया है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब सिर्फ उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए. अब ध्यान में रखना है जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है वो था अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो हम लोग कोई भी पॉइंट पे ले सकते हैं. मतलब अबाउट पॉइंट पी ये डिस्क रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ये दोनों सेम होगा. अभी एंगुलर वेलोसिटी के कंसेप्ट में भी मैंने बताया था और आप इवन चेक कर सकते हो. अब एक काम करते हैं, अब जैसे इसको चेक करना है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से ही घूमेगा, तो मुझे बताओ इसमें वेलोसिटी वी नॉट कितना है. वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू आर, ठीक है, ये तो डिफाइंड है, ये तो पहले हम लोग ने रोलिंग में देखा हुआ है, ठीक है. विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, अब सपोज ये पॉइंट रेस्ट पे है और ए ओमेगा नॉट से घूम रहा है पूरा का पूरा डिस्क अबाउट दिस पॉइंट पी, तो मुझे बताओ ये पॉइंट पी का वेलोसिटी कितना है. अभी रेडियस आर है तो ये मेरा टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा नॉट इंटू आर, जो क्या है बेसिकली सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, वी नॉट. तो मतलब इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा नॉट ही है अबाउट दिस पॉइंट पी, ये प्रूव हो गया. अब आपको कोई भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. लेट्स से टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, अब आप देखोगे टॉप मोस्ट पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये आर प्लस ए आर इज टू आर, टू आर इंटू ओमेगा नॉट, तो ये हो गया मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी, विच इज कितना, टू आर ओमेगा नॉट, मतलब टू ओमेगा नॉट इंटू आर. अब कैलकुलेट भी करके देखो उतना ही होगा. अब कोई भी रैंडम पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है वो भी निकाल सकते हो. क्या करना है, सिर्फ बस इस पॉइंट को और ए पॉइंट पी को कनेक्ट करना है और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ये हो गया मेरा कोई भी पॉइंट लेट्स से पी डैश का वेलोसिटी और ये डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए विच इज आर. तो क्या हो गया, वी पी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट इंटू आर. अब ये होता है मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का बेसिक.